हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटोकार। सो आज आप लोग देखने वाले हैं यहाँ पे टाटा एल्ट्रॉस का पूरा डिलीवरी वीडियो एंड ये एल्ट्रॉस का एग्जिट पेट्रोल वेरिएंट जिसको आज हम लोग कवर करेंगे और साथ ही में बात करेंगे इस कार की प्राइसिंग की एंड फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो काफी बड़ा शार्प डिजाइन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको इसमें मिलती है तगड़ी सी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। डीजल पेट्रोल तो दोनों ऑप्शन मिल ही जाते हैं एंड प्राइस रेंज इसकी स्टार्ट हो जाएगी 6,45,000 से। टॉप मॉडल तो बाय जाता है 10 लाख प्लस तक ऑन रोड लखनऊ। डीसीएल लेना चाहे तो पेट्रोल के साथ बढ़िया आपको इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ ही टाइम में आपको उसमें टाटा अल्ट्रॉस रेसर का भी ऑप्शन मिलेगा जहां पे बड़ा इंफोटेनमेंट एंड सनरूफ और भी काफी सारे फीचर्स वहां पे ऐड ऑन किए जाएंगे। और ये आप इसका देख रहे हैं ग्रे कलर, ग्रे के अलावा उसमें व्हाइट, रेड, ब्लू, गोल्ड, डार्क जैसे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। डोल्ड ऑन का ऑप्शन लेने जाए तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 16 इंच के डायमंड के अलॉयस ऑटो फोल्डेबल इसके आउटसाइड मिरर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी अंदर अगर आपको एक बार इसका डैशबोर्ड दिखाते हैं तो एम्बिएंट लाइटिंग, बड़े से इंफोटेनमेंट, क्रूज कंट्रोल सारे फीचर्स यहाँ पे रहने वाले, ए टू जेड जो भी रहते हैं, किलेस एंट्री जैसे। सेकंड वाली रो की तरफ आगे बढ़ेंगे ना तो इस तरह पे देखेंगे अंदर बैठने के बाद इस तरह बड़े से पूरा इसका डैशबोर्ड दिखता है इस एल्ट्रॉस का। यहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स वगैरह दिए गए, नीचे बड़े सा 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट। और यहाँ पे देखेंगे तो लेग रूम, नी रूम वगैरह काफी सही है। अपने सेगमेंट की प्रीमियम हैचबैक कार है ये हमारी एल्ट्रॉस। डोर पैनल, ग्रैब पैनल एंड हुक, बड़े से एडजस्टेबल यहाँ पे इसका हेडरेस्ट, पीछे पार्सल ट्रे, यहाँ पे कुछ भी अपना छोटा बड़ा सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह भी देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा। एंड की बात करें तो यहाँ पे स्मार्ट की रहती है जहाँ पे काफी सारे स्विचेस रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको बड़े से लॉक अनलॉक, बूट ओपन, फुल मेड जैसे काफी सारे स्विचेस पेज टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो इधर इसका सेकंड रो का पूरा स्पेस वगैरह काफी बड़े से कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। सेफ्टी 5 स्टार की मिल रही तो एकदम भाई बेधड़क रहेंगे। फीचर्स प्लस सेफ्टी का कॉम्बिनेशन मिलता है एल्ट्रॉस के साथ। वारंटी की बात करें तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाती है एल्ट्रॉस में। साइड प्रोफाइल भी काफी सही सी। एंड अगर इसके हम लोग कंपटीशन की बात करें तो वही ह्यूंडई आईट्वेंटी, मारुति बलेनो जैसी कारों से इसका होता है कंपटीशन। बट इसका भाई सबसे प्लस पॉइंट रहता है ना सेफ्टी प्लस फीचर्स, लुक्स भी यहाँ पे काफी तगड़े से मिलते हैं इस कार में। रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, आगे डिस्प्ले, 16 इंच के डायमंड के अलॉयस रहेंगे यहाँ पे। रियर प्रोफाइल भी काफी सही सी लग रही है इस हैचबैक की। तो अपने सेगमेंट की भाई हॉट हैचबैक है। रीजन क्या ना, अभी इसमें जैसे एल्ट्रॉस रेसर आए ना तब तो एकदम धमाल मचा देगी ये हमारी कार। यहाँ पे आएंगे तो वही टाटा का लोगो, बड़े से एल्ट्रॉस की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, यहाँ पे इसकी बैक लाइट्स, ऊपर रियर वाइपर, डिफॉगर, ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप टाइम, स्पोर्टी पैड। नीचे आएंगे तो यहाँ पे रहेंगे 2 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स इसके रियर बम्पर में। बाकी बूट स्पेस की तरफ आइए, चलते आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें मिलता है 345 लीटर का बेहतरीन सा बूट स्पेस। इधर बूट लाइट हुक वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पंचर रिपेयर किट जो कि कॉमन है, स्पेयर व्हील यहाँ पे नीचे की तरफ। बाकी भाई थोड़ा वीडियो मैंने पहले शूट की थी, आज मैं डाल रहा हूँ, थोड़ा ठंडियों का सीजन था ना उस टाइम, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा इस चीज़ को। साइड प्रोफाइल भी काफ़ी सही सी लग रही है। डायमेंशन की बात करें ना तो सब 4 मीटर के अंदर आती, वही 3990 मिलीमीटर की लेंथ, 1755 mm की विथ एंड 1523 mm की हाइट देखने को मिल जाएगी इस कार की। व्हील बेस जानते हुए 2501 mm का मिलता है इस टाटा एल्ट्रॉस के साथ। एंड इधर कुछ इस तरह बड़े से रहेगी, क्लाइडिंग वगैरह सब बाद में लगा है। एसएसडी का काफ़ी कुछ यहाँ पे पार्ट है। रिक्वेस्ट सेंसर, किलेस एंट्री मिलती है आपको इस वेरिएंट के साथ। डैशबोर्ड पूरा यहाँ पर डुअल टोन में रहने वाला है, एकदम प्रीमियम सा फील देगा। बाकी आपको बैठ के दिखाते हैं, चारों पहियों के कंट्रोल्स, आरबी एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स। यहाँ पे थोड़ा सा भाई ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है ना, ये अब मैं आ चुका हूँ इसके एग्जिट प्लस में, बिकॉज इसका सबसे टॉप मॉडल है डीसीए, क्योंकि वहाँ पे वही गाड़ी चली गई ना। तो थोड़ा जो चेंजेस मैं आपको बता दूंगा, डैशबोर्ड देख सकते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग आपको दोनों में मिल जाती है, चाहे एग्जिट में जाइए एग्जिट प्लस में। तो बढ़िया सा इंफोटेनमेंट, एम्बिएंट लाइटिंग, ये इसका डीसीए ट्रांसमिशन जो आपको सिर्फ पेट्रोल के साथ मिलता है। एंड जब आप डीजल में जाएंगे इस कार में तो सिर्फ आपको मैनुअल का ही ऑप्शन देखने को मिलता है एल्ट्रॉस के साथ। बाकी ऐसे ऑन करते हैं इसका क्लस्टर वगैरह, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना सेमी डिजिटल, ये आपको मिलता है इसका एग्जिट प्लस टॉप वेरिएंट के साथ। बट इसका एग्जिट ओनली में जाएंगे ना तो आपको एनालॉग आरपीएम मीटर एंड स्पीडोमीटर दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो ये था इसका पूरा क्लस्टर वगैरह। इधर जाएंगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दोनों वेरिएंट्स में मिलते हैं। इधर रेन सेंसिंग वाइपर्स के सारे कंट्रोल्स, क्लस्टर में काफी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ट्रिप एवरेज, माइलेज रेंज वगैरह जो भी देखना हो, फ्यूल गेज वगैरह। यहाँ पे आएंगे तो वही टाटा का लोगो, इधर यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स, एनएमआईडी के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे इंफोटेनमेंट, टेलीफोनिक वाले सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सिल्वर फिनिश। एडजस्टमेंट की बात की जाए तो टिल्ट एडजस्टेबल रहेगी इसकी स्टेयरिंग। नीचे बड़े से ब्लू कलर के में लाइटिंग यहाँ पे भी देख सकते हैं डैशबोर्ड में, तो नाइट में काफ़ी अच्छी सी लगेगी देखने में। तो इसके बाद आते हैं सेंटर कंसोल में। 7 इंचेस वाला वही रहेगा पे इसका, पावर्ड बाय हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी हब जैसे सारे कुछ कनेक्टिविटी के साथ आता है। यहाँ पे इसका रिवर्स पार्किंग कैमरे की क्वालिटी देख सकते हैं। तो ये भी अपडेट हो चुका है जैसे एल्ट्रॉस रेसर वगैरह में आपने देखा होगा ऑटो एक्सपो 2023 में। तो यहाँ पे चेंजेस होने वाले बहुत जल्द काफ़ी सारे। बाकी यहाँ पे एसी वेंट्स, हेडलाइट का स्विच एंड नीचे आएंगे तो फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यूएसबी का पोर्ट, स्पेस, ये रहा इसका डीसीए ट्रांसमिशन। एंड मैनुअल में जाएंगे ना तो आपको 2 ड्राइव मोड्स मिलते हैं जहाँ पे लॉक अनलॉक बटन दिया गया, वो यहाँ पे नहीं रहेगा। बाकी हैंड ब्रेक वगैरह, 2 ग्लास होल्डर्स, ये स्लाइडेबल इसका आर्मरेस्ट। एंड यहाँ पे छोटा मोटा स्पेस रहेगा। इधर का डोर पैनल, ग्लव बॉक्स में जाएंगे ना तो बढ़िया कूल्ड रहता है, लाइट्स वगैरह, टैबलेट होल्डर, काफ़ी सही सा स्पेस है। बाकी ग्लास होल्डर्स वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पे दिए गए इसके इस ग्लव बॉक्स में। 2 यहाँ पे एयरबैग्स रहते हैं जो कि स्टैंडर्ड फीचर है, ये इसका एडजस्टेबल IRVM। यहाँ पे लाइट्स रहेगी बढ़िया वाइट वाली, सनग्लास होल्डर, यहाँ पे माइक,
देन इधर जाते हैं तो यहाँ पे सनवाइजर में वैनिटी मिरर, और इसके बाद जब आएंगे इधर तो यहाँ पे रहेगा टिकट होल्डर इसके सनवाइजर में। तो ये इसका पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह, एग्जिट वेंट में जाते ना तो वहाँ पे आपको एनालॉग वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलेगा, ना ही लेदर अप स्टीयरिंग, ना ही यहाँ पे लेदर की सीट्स। तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं थी, बाकी चीज़ें सिमिलर रहेंगे। डोर पैनल भी सेम इसी तरह रहेगा, चारों पैनल के कंट्रोल्स। डीसी ट्रांसमिशन वहाँ पे आप लेंगे ना तो सिर्फ पेट्रोल के साथ आपको ऑफर किया जाएगा। तो अभी बात करें अगर इसके इंजन स्पेक की, तो आपका दिख रहा है 1.2 लीटर 300 पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 86 पीएस की पावर, 113 न्यूटन मीटर टॉर्क, समथिंग 1819 के एमपीएल का मान मिल जाएगा इस कार में। डीजल में जाएंगे तो 1500 का टर्बोचार्ज इंजन ऑप्शन मिलता है, जिसमें 90 पीएस की पावर, 200 न्यूटन मीटर टॉर्क, समथिंग वही मान लीजिए 2324 का माइलेज मिल जाता है इस अल्ट्रॉस के साथ। एंड ये सेट प्रोफाइल पता आपको इसकी दिख रही है भाई, इसका एक्टिव वेरिएंट मेनू चाहिए, इसको भी एक बार आपको फ्रेम में दिखाते हैं। तो एग्जिट में जाएंगे तो अलाउस यहाँ पे सेट प्रोफाइल में ऐड हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सिमिलरली देखने को मिलती हैं इन दोनों वेरिएंट्स में। तो एक्टिव में भी आपको सारे जो इसके फीचर्स मिल जाएंगे, एग्जिट में जाएंगे तो थोड़ा अलॉयस वगैरह और भी कब चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। एंड अब बात करेंगे इस एग्जिट पेट्रोल रेंट की प्राइसिंग की, तो ये आपको पड़ने वाला है 8,40,000 एक्स शोरूम एंड 9,52,000 के आसपास जाएगा ऑन रोड लखनऊ। डीजल में जाएंगे एग्जिट वेरिएंट के साथ आपको पड़ेगा 9,70,000 एक्स शोरूम एंड 10,97,000 के आसपास जाता है ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड डिटेलर सिस्टम, सीट बेल्ट फाउंडिंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर से कब्सर फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस कार में। तो गाड़ी भी यहाँ पे भाई जल्दी डिलीवरी होकर अपने घर की तरफ, बाकी वेटिंग पीरियड वही मान के चलिए भाई साहब, यहाँ पे आपको समथिंग एक महीने तक इंतजार करना पड़ेगा इस कार को लेने के लिए, डिपेंड करेगा वेरिएंट वाइज। तो यही था आज का हमारा इसका पूरा यहाँ पे डिलीवरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एंड तब तक आप देखिए इसका पूरा डिलीवरी प्रोसेस क्या कुछ हुआ। मैं सुनील फिल्म लूंगा आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।